बंदूकों से फैसले नहीं होते हैं, उनके उनकी क्वेश्चंस जो है, उनके सवाल जो हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और आप उनको डरा कर, उनको चमचागिरी या उनको बहका कर या उनको लालच देकर उस क्रांति के लोगों, क्रांति के जो लोग निकले हुए हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। और ये मेरा राय है और मेरी पार्टी को, मैं इस राय दे भी चुका हूं और पहले भी दी गई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो अभाव में होता है, जिसको अधिकार नहीं मिलता, जिसका अधिकार छीना जाता है कुछ ऊपर वाले लोग, और ऊपर वाले लोगों की ताकत से जब उनका अधिकार छीनते हैं तो लोग जो है वो अपना अधिकार पाने के लिए अपने प्राणों की जो आहुति देते हैं और अपने प्राणों को बलि भी देते हैं, और वो गलत करते हैं, क्योंकि ना उनकी बंदूक से कोई हल निकलेगा, ना इधर की बंदूक से कोई हल निकलेगा। अगर हल निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा, उनके जो हकूक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको एड्रेस करने से निकलेगा। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि ये आतंकवादी हरकतें एक ऐसी शुरुआत से होती हैं। ये नक्सल मूवमेंट जो है, ये अधिकारों को लेकर शुरू हुआ है। इन अधिकारों को लेकर हमें लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा। और अगर जो लोग कहीं ना कहीं आज अपने मार्ग से भटक गए हैं, उन भटके हुए लोगों को खींच कर लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है मेरी बात खत्म होगी। धन्यवाद।